है गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड परीक्षावाड़ी क्विज पार्ट 19 इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ गाइस अगर आपको वीडियो वन परसेंट भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो गए आज का पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई तो देखिए उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 21 फरवरी 2005 को देखिए बात करें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है प्रेम नगर देहरादून देखिए आपको पूरी जगह याद रहनी चाहिए वो पूछ सकता है कहाँ है प्रेमनगर देहरादून में ठीक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है प्रेम नगर देहरादून में इसका उद्देश्य क्या है तो राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना व लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से देखिए ये परिषद मुख्य रूप से राज्य के विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी जैसे शोध विकास प्रदर्शन विस्तार लोक व्यापीकरण उद्यमिता विकास प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि कार्यक्रमों का जो है संचालन करती है अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की के स्थापना कब की गई तो देखिए उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की के जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 2 फरवरी 2006 को यानी ऑप्शन सी हमारा सही है इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो बल्ली वाला ठीक है बल्ली वाला देहरादून कहाँ पर है इसका मुख्यालय बल्ली वाला देहरादून में तो उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में अनुसंधान शिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए जो है उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की के स्थापना की गई थी दो फरवरी दो तो हज़ार छः को देखिए फुल डेट ना देखे वो आपको खाली फरवरी दो हज़ार छः भी दे सकता है या आपको दो हजार छः ठीक है फुल डेट से ये रहता है कि आपको पूरी डेट याद रहती है तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई तो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी सितंबर 2005 में यानी ऑप्शन सी हमारा सही अगर फुल डेट की बात करता है तो 21 सितंबर 2005 देखिए उत्तरा उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी यूसेक ठीक है ये यूसेक करके भी आपको मिल सकता है कि यूसेक की स्थापना कब की गई यूसेक की फुल फॉर्म होती है गाइस ये होता है यूसेक यूसेक तो उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपको फुल फॉर्म भी इसकी याद होनी चाहिए मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है नालापानी नालापानी देहरादून में कहाँ पर इसका मुख्यालय नाला पानी देहरादून में जो है इसका मुख्यालय है तो देखिए उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है सुदूर संवेदन क्षेत्र जो ये भूकंप जो आते हैं ठीक है ठीक है जो भूकंप आते हैं तो सुदूर संवेदन सुदूर शिक्षा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन आपदा प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में विकास हेतु ठीक है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई थी अगला क्वेश्चन है रूटेक परियोजना का उद्देश्य क्या है तो गाइज़ रूटेक की बात कर लेते हैं पहले इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है रूटेक की तो रूटेक की फुल फॉर्म है रूलर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप एक्शन ग्रुप ठीक है रूलर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप तो रूटेक की परिय। रूटेक परियोजना का उद्देश्य क्या है गाईज? इसका उद्देश्य है प्रौद्योगिकी को, को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना यानी ऑप्शन बी हमारा सही है ठीक है इसके आपने फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है रूलर टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप इसे भारत सरकार के ठीक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से जो है शुरू किया गया था तो प्रौद्योगिकी को जो प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना और लोगों के जीवन स्तर को उठाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है अगला क्वेश्चन है राज्य में विज्ञान धाम स्थित है ठीक है सभी को पता है कि देहरादून में लेकिन वो मेन जगह भी पूछ सकता है हिसाब आपसे ठीक है तो झाझरा देहरादून में यानी ऑप्शन सी हमारा सही है इसका उद्देश्य क्या है विज्ञान धाम का स्थापित स्थापित करने का तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शिक्षा एवं उद्योग से जोड़ने के लिए विज्ञान धाम की जो है स्थापना की गई है देखिए इस विज्ञान धाम में वैज्ञानिक गोष्ठियां प्रदर्शनियाँ ठीक है यहाँ पे इनका आयोजन होता है अगला क्वेश्चन है राज्य में आरोही परियोजना का संबंध है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दो बार यू के ठीक है यू के ट्रपल अस्सी ने रिपीट भी कर रखा है ये क्वेश्चन राज्य में आरोही परियोजना का संबंध किससे है तो कंप्यूटर शिक्षा से ठीक है राज्य में जो टेंथ ठीक है हाई स्कूल या टेंथ टेंथ वाले बच्चे हैं ठीक है ट्वेल्थ वाले हैं ठीक है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के समस्त विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आरोही परियोजना को जो है शुरू किया गया था देखिए आरही परियोजना में पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी आरोही परियोजना की तो आपको फुल डेट याद होनी चाहिए उन्नीस मई दो दो को ठीक है आरोही परियोजना राज्य में शुरू की गई थी किसके सहयोग से इसको शुरू किया गया था तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ठीक है माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल की मदद से इसको ठीक है शुरू किया गया था अगला क्वेश्चन है राज्य में शिखर परियोजना का संबंध है तो देखिए राज्य में शिखर योजना का जो संबंध है शिखर परियोजना का जो संबंध है वो है बिद्... महाविद्यालयों में रोजगार हेतु तो आई टी ठीक है ये आई टी आई टी शिक्षा उपलब्ध कराना ठीक है और इसको इसके जो सहयोग करता है किसकी मदद से मतलब ये शुरू की गई थी योजना शिखर परियोजना तो आपको याद रखनी है एक्टेक ठीक है एक्टेक और दूसरी थी ई सी आई एल कंपनी ठीक है ये दो कंपनी है इनके सहयोग से जो है शिखर परियोजना राज्य में शुरू की गई थी अगला क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में हरमिटेज भवन स्थित है तो देखिए हरमिटेज भवन जो स्थित है यह है नैनीताल में यानी ऑप्शन बी हमारा सही है आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने और विभिन्न आईटी अकादमियों का परस्पर संबंध ठीक है संबंध कर उन्हें राज्य के समग्र विकास में भागीदार बनाने के लिए जो है हरमिटेज भवन का जो है ठीक है हरमिटेज भवन को जो है स्थापित किया गया था कहाँ पर नैनीताल में अगला क्वेश्चन है राज्य में किस कंपनी द्वारा ज्ञान उत्कर्ष परियोजना का संचालन किया जा रहा है तो गाइज़ ये किसकी मदद से किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है इंटेल ठीक है इंटेल की मदद से इसके अंतर्गत सरकारी कर्मियों को ठीक है जो सरकारी कर्मचारी उनको व्यक्तिगत कंप्यूटर करियर कराने की व्यवस्था कराई जाती है इस योजना के द्वारा अगला है नरेंद्र नगर में किस कंपनी द्वारा आईटी एकेडमी की स्थापना की गई तो देखिए नरेंद्र नगर कहाँ पर पड़ता है हमारा गाइज टीरी में कहाँ पे पड़ता है ये टीरी में तो नरेंद्र नगर टीरी में किस कंपनी द्वारा आईटी एकेडमी की स्थापना की गई है तो ये की गई है एचपी कंपनी के द्वारा ठीक है एचपी कंपनी द्वारा अगला क्वेश्चन है देहरादून में किस कंपनी द्वारा आईटी एकेडमी की स्थापना की गई है तो ये की गई है गाइस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अगला क्वेश्चन है राज्य के किस स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है तो गायज देखिए सैस्त्र धारा देहरादून में भी है और पंत नगर ऊधम सिंह नगर में ही है। ठीक है उधम सिंह नगर में भी यानी सी ऑप्शन हमारा सही है ए वे वी दोनों अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था ये क्वेश्चन भी ग्रिटर पॉलिसी ने गाय रिपीट कर रखा है तो राज्य सरकार ने दो एक, ठीक है दो वर्ष को ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया ठीक है सरकारी कामकाज में शीघ्रता लाने और सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी जनता को उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही ई गवर्नेंस है ठीक है तो याद रखेंगे ये किससे संबंधित है सूचना प्रौद्योगिकी अगला क्वेश्चन है राज्य क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्किंग यानी स्वान परियोजना का संचालन राज्य सरकार और किसके द्वारा हो रहा है तो गायज ये हो रहा है राज्य सरकार और बीएसएनएल के सहयोग से ठीक है इन दोनों के सहयोग से अगला क्वेश्चन है ए डिस्ट्रिक्स परियोजना को सर्वप्रथम किस जिले में लागू किया गया था तो गाइज ए डिस्ट्रिक्ट परियोजना को सर्वप्रथम जो लागू किया गया था ये पौड़ी जिले में लागू किया गया था ठीक है ई गवर्नेंस के अंतर्गत पूछ सकता है किसके अंतर्गत तो ई गवर्नेंस के अंतर्गत केंद्र पोषित यह योजना राज्य में कब शुरू हुई थी आपको याद रखना है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में दो में कहाँ पर पौड़ी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के पूछ सकता किस प्रोजेक्ट के तहत तो पायलट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो है उसके तहत ठीक है प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था ठीक है अब इसका विस्तार जो है बारह जिलों में किया जा रहा है अगला क्वेश्चन है राज्य राज के प्रथम राज्य के प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना किस स्थान पर की गई तो गाय जो प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना जो की गई है ये की गई है भवाली ठीक है भवाली कहाँ पर है हमारा नैनीताल में कहाँ पर है भवाली नैनीताल में तो इस आयु आयुष ग्राम की जो कर्ता धर्ता है ठीक है वो कौन है मसूर हर्बल कंपनी जो है ठीक है सॉरी जो मसूर हर्बल कंपनी है इमामी ग्रुप ठीक है इमामी ग्रुप ठीक है वो है यहाँ झंडू सहित अनेक जो झंडू बाम होता है ठीक है यहाँ झंडू सहित अनेक आयुर्वेदिक यूनिट जो है स्थापित की जा रही हैं यहाँ पर गरीबों का जो है मुफ्त इलाज हो पाएगा और सभी जिलों में एक एक ठीक है बारह जिले हैं बारह जिलों में एक एक आयुष ग्राम की स्थापना की गई है अगला है राज्य में पंतजली फूड एवं हर्बल पार्क की स्थापना कब हुई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में आपको फुल डेट फुल डेट या, याद रखने का फुल डेट पूछ सकता है तो आपको याद रखनी है पच्चीस फरवरी ठीक है पच्चीस फरवरी दो को ठीक है कहाँ पर हुई थी हुई थी इसकी स्थापना का मतलब कहाँ पर है ये पार्क तो यह है हरिद्वार में कहाँ पर है ये हरिद्वार में देखिए इसका शिलान्यास जो किया था उस टाइम पर सुबोध कांत सहाय थे कौन थे सुबोध कांत सहाय ठीक है ये उस समय पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थे तो इन्होंने इसका शिलान्यास किया था यह पार्क जो है विश्व का सबसे बड़ा अनोखा फूड पार्क है यह इस पार्क में जो है देखिए प्रतिदिन जो है आठ सौ टन से अधिक सब्जी और विभिन्न जो फल होते हैं उनका जूस जो है तैयार किया जाता है तो याद रखेंगे पंतजली फूड एवं हर्बल पार्क की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी 2009 में 25 फरवरी 2009 को हरिद्वार में अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने सोलर सिटी के लिए किस शहर को चुना था तो गाइज देखिए केंद्र सरकार ने जो है दे मतलब भारत के ग्यारह शहरों को ठीक है ग्यारह शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के करने का जो है निर्णय लिया था तो इसमें उत्तराखंड का कौन सा शहर था या ज़िला था जिसको इन्होंने चुना था तो ये था देहरादून कौन सा था देहरादून यानी ऑप्शन बी चैनी शहरों में देखिए स्ट्रीट लाइटें हॉर्डिंग्स लाइटें ट्रैफिक सिग्नल आदि जो है वो सोलर सिस्टम से संचालित होंगे अगला क्वेश्चन है राज्य में पर्यावरण मित्र योजना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज राज्य में पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी तो इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में इसका संबंध किससे पूछ सकता है कि पर्यावरण मित्र योजना का संबंध जो है वो किससे है तो कूड़े कचरे के निस्तारण से ठीक है कूड़े कचरों के निस्तारण से जो है इसका संबंध है ये योजना सर्वप्रथम जो है पूछ सकता है कि इसको सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू किया गया था तो श्रीनगर में इसको सबसे पहले शुरू किया गया था उस समय पर वहाँ पर हर, हरक सिंह रावत थे थी, ठीक है उनकी पहल पर कब दो में ठीक है मि, पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत की गई थी इस योजना के तहत जो जो खुले में कूड़ा पड़ता है ना उस उस पर पूर्णता प्रतिबंध लगा दिया गया था ठीक है पूर्णता प्रतिबंध लगा दिया गया था इसमें जो कूड़ा इकट्ठा किया जाता है जैविक कूड़ा तो उससे तो खाद बनाई जाती है ठीक है उसके अलावा जो अजैविक कूड़ा होता है उसको रिसाइकिलिंग के लिए जो है बेच दिया जाता है अगला क्वेश्चन है राज्य की किस नगर पालिका द्वारा वाहनों से ईको टैक्स वसूला जा रहा है तो गाइज़ वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राज्य की किस नगर पालिका द्वारा वाहनों से ईको टैक्स वसूला जा रहा है तो यह है मसूरी नगर पालिका ठीक है कब से ये आपको डेट याद रखनी है इक्कीस सितंबर दो हज़ार नौ से ठीक है तो गाइज़ ये थे उत्तराखंड परीक्षा वाड़ी पार्ट उन्नीस के बीस महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग